की लाजवाल दौलत है और वाकई पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर ने इस कोट को सच कर दिखाया, मगर बिजनेस की सेंस में, जिससे बनने वाली दौलत को वाकई कोई जवाल नहीं है। इल्म या तेल लेने और जिस सेक्टर के साथ गवर्नमेंट लगा हो वो तो चले बेड़ा गर्क है ही, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, मगर प्राइवेट सेक्टर स्कूल का बिजनेस न सिर्फ बच्चों की अर्ली लर्निंग की माँ बहन कर रहा है बल्कि उनकी बेस भी खराब कर रहा है। गली के हर नुक्कड़ पर खुले प्राइवेट स्कूल में मैट्रिक पास टीचर शशकों और मेकअप में डूबी रैंप पे वॉक करती हुई नजर आएंगी, बट खुद उन्हें इंग्लिश ग्रामर क्लासेस की जरूरत होती है। When I will grow up, I will be army. अरे कहना क्या चाहते हो? इन स्कूल्स की दहलीज पे कदम रख लो तो समझ लेते हैं कि बच्चे के वालदैन कौमी खजाने के इंचार्ज हैं, जो कि आजकल वैसे ही खाली है। गजब बेइज्जती है, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान। पाकिस्तान बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन पहले तो इनको अलाउ ही ना करे कि विदाउट स्पेसिफिक स्पेस एंड प्लेइंग ग्राउंड्स कोई भी प्राइवेट स्कूल खोला जाए, बिकॉज बच्चों की अर्ली लर्निंग में मेंटल के साथ साथ फिजिकल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर स्टाफ देखा जाए कि काबिल है भी या नहीं। बात तो सही है। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के स्कूल का इंतखाब टीचर्स की काबिलियत को देखकर करें, ना कि टीचर्स की ड्रेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को, वरना आपका बच्चा कुछ बनेगा ये तो पता नहीं, बट सीयूपी कप को सब C4 C4 कोकोनट और कुछ ऐसा बनकर जरूर स्कूल से निकलेगा। News, but I don't know, क्या समझे? कमेंट कर जरूर बताएं, एंड फॉर मोर फॉलो बुरका बाजी, यहाँ सब चलेगा।